नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। पापड़ा साहिब से शिलाई गुम्मा नेशनल हाईवे 707 पर चल रहे निर्माण कार्य में कंपनियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस हाईवे पर सकरे मार्ग को चौड़ा करना कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण तो है ही, साथ में स्थानीय लोगों का विरोध और संबंधित विभागों के सख्त दिशा निर्देश भी इस बड़े प्रोजेक्ट को समय सीमा के अंदर पूरा कर पाने में कहीं ना कहीं कंपनियों पर भारी पड़ रहे हैं। 1350 करोड़ रुपए की स्वीकृति और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद से पावटा साहिब से शिलाई गुम्मा नेशनल हाईवे 707 पर कार्य चल रहा है। करोड़ों की लागत से चल रहे इस बड़े प्रोजेक्ट का समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए कंपनियां काम कर रही हैं। कभी मौसम की मार तो कभी स्थानीय लोगों का विरोध कंपनियों को झेलना पड़ रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों की जायज मांगों को समय समय पर कंपनियों को मानना भी पड़ रहा है, जिससे लोगों को नुकसान हुआ। डंपिंग साइट्स के अभाव के चलते कंपनियां भी परेशान हैं। इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना DCC कंपनी को करना पड़ रहा है। खड़े ढलान में कटिंग के दौरान कुछ प्रतिशत मलबा सड़क से बाहर गिर रहा है, जो कि स्वाभाविक है। जिस दौरान सर्वे हुआ, शायद NH प्राधिकरण के अधिकारी कटिंग के दौरान निकलने वाले मलबे का सही आकलन नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि डंपिंग साइट्स भर चुकी है, जबकि अभी कटिंग का कार्य कुछ प्रतिशत ही पूरा हो पाया है। कंपनी प्रबंधन ने प्रदेश सरकार और NH प्राधिकरण से अतिरिक्त डंपिंग साइट मुहैया करवाने की मांग की है, ताकि व्यवस्थित तरीके से मलबे को डंप किया जा सके। यदि समय रहते सरकार और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने कंपनियों की समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो जिन कंपनियों पर वर्कलोड ज़्यादा है वो कहीं प्रोजेक्ट को बीच में ना छोड़ दें। यदि ऐसा हुआ तो सिरमौर में बन रहे इस बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को भारी नुकसान होगा। रोड कटिंग के लेके समस्या ये आ रही है कि रोड की जो विड्थ है वो बहुत ही कम है, और जो रोड है साइड से जो कटिंग करनी है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं 30-30 मीटर, 15-15 मीटर, 20-20 मीटर। जब उसके ऊपर से एक्सावेटर जब काटता है उसको, उसके अंदर से कुछ ना कुछ मटेरियल नीचे भी जाता है, जिसको किसी भी प्रकार से कोई भी तरीके से उसको नहीं रोक सकते। तो उसमें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। ट्रैफिक चलता रोड भी चालू रखना है और थोड़े है रोड के अंदर काम भी करना है, तो हमें तो ऐसा लग रहा है अगर इस कंडीशन में अगर हम काम करेंगे तो हो सकता है 2 साल के अंदर जो टाइम बाउंड है उसके अंदर हम काम नहीं कर सकते। अभी क्या है भाई साहब, कुछ टाइम पहले यहाँ एक स्लाइडिंग एरिया है और उसके अंदर से स्लाइड हो गया था। तो पहले भी एक बार उसकी DR कट चुकी थी, क्योंकि उसमें जो आने जाने वाला जो ट्रैफिक है वो दबाव डाल के कहता है भाई इसको फटाफट खोलो, तो वो खोल दिया था। तो उसके एवज में एक पहले DR कट गई, फिर दोबारा फिर वो स्लाइडिंग हो गया, तो फिर अधिकारियों ने उसका फिर उसकी DR कट दिया हमारी। तो ये तो है ना, पूरे प्रोजेक्ट में ऐसे चलता रहेगा। ऊपर से जब मशीनें काम करेंगी, कुछ ना कुछ 10-20% जो मलबा है वो बाहर जाएगा ही जाएगा, वो किसी तरीके से नहीं रुक सकता। तो हम तो यही प्रशासन से वो कह रहे हैं भाई, थोड़ा बहुत हमें ऐसा गाइडलाइन करें भाई, हमें भी कुछ सुविधा मिले काम करने में। और दूसरी बात तो ये, हमारी जो डंपिंग पॉइंट है, हमारा 19 किलोमीटर का रोड है, उसमें 2 डंपिंग पॉइंट हैं। वो एक उस साइड में है और एक चैनल लास्ट में जो है 94 के आसपास है, यानी कि 3 किलोमीटर ऊपर से बीच में, और हिल एरिया है। यहाँ से जब गाड़ियाँ लेके जाती हैं मटेरियल, तो गाड़ियाँ वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। क्यों? एक तो सिंगल रोड है, बड़ी डंपर है छोटी, उसमें ये कब तक डरेंगे। तो उसका भी हमें एक दिक्कत आ रही है कि टाइम पर काम करने में उसमें भी डंपिंग पॉइंट की वजह से दिक्कतें आई। डंपिंग पॉइंट को लेके ये चाहते हैं भाई, जैसे जैसे हमारी कटिंग है नीवर अबाउट, कहीं हमें डंपिंग पॉइंट मिल जाए जिसमें उस बक को जो एक्स्ट्रा बक है उसके अंदर डाल के उसको ताकि ये काम टाइम से कर सके। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिरमौर न्यूज। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, तो
घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।